प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मैं हूँ शिवानी, स्वागत है आपका रेसिपीज फ्रॉम दिल से चैनल पर। भाई दिवाली आने वाली है, करवा चौथ भी बस अपकमिंग है, तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है और फेस्टिवल्स स्वीट डिश के बिना तो बिल्कुल फीके हैं। मैं यहाँ पर एक बनाने वाली हूँ स्वीट डिश, वो भी मखानों से, जो कि एक सुपर फूड है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे इस रेसिपी को तभी आपकी ये डिश बन पाएगी एकदम परफेक्टली। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मखाने की खीर की। तो हम बनाएंगे इजी वे में झटपट मखाने की खीर, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं और आने वाले फेस्टिवल्स पर भी बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट नोट कर ले, 1 कप मखाना, 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी, 1/2 किलो या 500 ml फुल क्रीम दूध, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 2 से 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ सूखा गोला, 1 से 2 बड़े चम्मच कटे हुए पिस्ते। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले कढ़ाई ले लेते हैं, गैस में ऑन कर देती हूँ और अब इसके अंदर डाल देती हूँ ये देसी घी। इसके अंदर मैं भूनने वाली हूँ मखानों को। आप चाहें तो बिना मखानों को भूने भी इस घी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम मखानों को घी के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं क्रिस्पी होने तक, तब क्या होता है कि उसकी खुशबू मखानों के अंदर चली जाती है और जब हम उसे खीर में इस्तेमाल करते हैं तब वो खीर का स्वाद कुछ अलग ही होता है। तो मखानों को क्रिस्पी होने तक हमें लो से मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। इसमें लगभग मुझे 4 से 5 मिनट लगे थे, लेकिन आप इसे लगातार चलाते हुए भूने, क्योंकि कई बार क्या होता है मखाने जल सकते हैं। तो आप फ्लेम को रखें लो से मीडियम पर और उसको लगातार चलाते हुए मखानों को भून लें टिल क्रिस्पी होने तक। और जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये सिर्फ सारा का सारा आपके ऊपर है, आप चाहें तो बिना मखानों को भूने भी खीर के अंदर डाल सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगी पर्सनली कि आप इसे थोड़ा सा फ्राई कर लें, वो भी सिर्फ देसी घी में, और उसके बाद ही इसको इस्तेमाल करें। तो चेक कर लेते हैं कि मखाना क्रिस्पी हुआ है या नहीं। यस, मखाना एकदम क्रिस्पी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बोल में और अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस मखानों को थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मिक्सी का जार लिया है, ध्यान रहे कि हमें बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना है, जस्ट हमें क्रश करना है, आधे टुकड़े करने हैं, यानी कि इस तरह से हमें करना है। इसका 2 मेथड है, या तो आप मिक्सी में कर सकते हैं या फिर मैं आपको एक देसी तरीका बताती हूँ। आप इस तरीके से पॉली लीजिए, इसके अंदर मखानों को डालिए, एक बेलन लीजिए और उस तरीके से इसको हल्का हल्का क्रश कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको दिखाई भी देता रहेगा कि ज़्यादा पाउडर तो नहीं हो गया। और इस तरह से हमें मखानों को आधे टुकड़ों में बांट लेना है, यानी कि हाफ क्रश कर लेना है, पूरा पाउडर नहीं बनाना है। अब करते हैं आगे की तैयारी। तो सबसे पहले हम एक भारी तली का बर्तन लेते हैं, यहाँ मैंने कढ़ाई इस्तेमाल करी है, वो भी भारी तली वाली। उसके अंदर हम फुल क्रीम मिल्क डाल देते हैं और अब इसे फुल फ्लेम पर हम एक उबाल आने तक इसे बॉईल कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा खराब हुआ है, कोल्ड हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी आवाज की थोड़ी सी दिक्कत है, बट मैं कोशिश करूंगी आपको पूरी तरीके से रेसिपी अच्छे से समझ में आ जाए, आई होप। तो ये उबाल आ चुका है दूध के अंदर, हमने हाई फ्लेम पर एक उबाल ले लिया था दूध के अंदर। अब हम गैस को कर देंगे मीडियम फ्लेम पर और इसको अब हमें पकने देना है। लगभग 3 से 4 मिनट तक आप इसको पकने दीजिए, लेकिन बीच बीच में आप इसे चलाते जरूर रहें, अदरवाइज ये तली में लग जाएगा दूध और उसकी खुशबू खीर के अंदर आ जाएगी। तो मेक श्योर कि जब आप खीर बना रहे हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, आप उसे दूध को लगातार चलाते रहें। अब हम 3 से 4 मिनट बाद इसके अंदर जो हमने मखाने क्रश किए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और अब अगेन हम खीर को पकने देंगे, क्योंकि खीर जब तक पकती नहीं है अच्छे से तब तक वो टेस्ट नहीं आता खीर के अंदर। और साथ ही साथ हम साइड में जो इसके मलाई इकट्ठी हो रही है उसको भी धीरे धीरे स्क्रैच करते रहेंगे और इसके अंदर डालते रहेंगे। इससे एक तो दूध गाढ़ा हो जाएगा और फिर जो मलाई है उसका भी फ्लेवर खीर के अंदर आएगा और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे खीर जो है वो गाढ़ी हो रही है। लगभग 5 मिनट तक हमें इसे पकाना है और उसके बाद हम इसके अंदर खुशबू के लिए डाल देंगे इलायची पाउडर और इसको हम जस्ट मिक्स कर लेंगे। हमारी खीर धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी है क्योंकि मखाना एक ऐसी चीज़ होती है कि वो दूध को एब्जॉर्ब करता है। साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे अब चीनी और चीनी को हम मिक्स कर देंगे। लगभग बस मुझे 5 से 6 मिनट लगे थे इस दूध को गाढ़ा होने में। अब हम फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो। अब जो चीनी है उसने भी पानी छोड़ा है, तो हमें सिर्फ चीनी को, जब तक चीनी घुल नहीं जाती तब तक हमें इसके अंदर मिक्स करना है, चीनी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो जब चीनी घुल जाएगी लगभग 1 से 2 मिनट में, लो फ्लेम पर मैंने गैस की हुई है, जब मिल जाएगी तब हम इसके अंदर डाल देते हैं ये बारीक कटा हुआ सूखा गोला। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगी आपको कि आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और भी डाल सकते हैं, बट ये मेरा पर्सनल टेस्ट है कि खीर के अंदर सिर्फ खीर का ज्यादा टेस्ट आना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा कम टेस्ट आना चाहिए। तो हमने मखाने की खीर बनाई है, उसका फ्लेवर ज्यादा आएगा अगर आप कम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो खीर हमारी एकदम तैयार है, गैस ऑफ
और अब हम इसको बोल में कर लेते हैं और साथ में हम इसे गार्निश करेंगे कुछ पिस्तों से। अब हम इसे ठंडा होने फ्रिज में रख देंगे और लीजिए तैयार है हमारे मखाने की खीर। जैसे जैसे ये खीर ठंडी होती है वैसे वैसे ये गाढ़ी होती रहती है, तो मेक श्योर कि आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लूज रखनी है जब आप गैस ऑफ करें, अदरवाइज ये खीर बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अगर उसके बाद भी जो आप सर्व कर रहे हैं तो खीर अगर आपको गाढ़ी लग रही है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा दूध मिला के उसको मिक्स कर लीजिए और फिर सर्व कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।